एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलेनाज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जनवरी टू अप्रैल के जो नए क्यू कार्ड आए हैं उनको, और जो टॉपिक है हमारा फोर्थ वाला क्यू कार्ड। टॉपिक है डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म यू वियर एट योर स्कूल और कंपनी और यू वोर एट स्कूल। मतलब किसी ऐसी यूनिफॉर्म के बारे में आपने बताना है जो आपने कभी किसी कंपनी में काम करते हुए पहनी है या फिर स्कूल में पहनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि उनको मद्देनज़र रखते हुए हम हमारी स्टोरी बनाएं, क्योंकि इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट क्यू है हमारा, व्हेन यू वेयर इट, कब आपने ये यूनिफॉर्म पहनी थी। हु बॉट इट फॉर यू, किसने ये यूनिफॉर्म आपके लिए ख़रीदी थी। व्हाट डज़ इट लुक लाइक, कैसी लगती थी ये। हाउ यू फील अबाउट इट, और आप इस यूनिफॉर्म के बारे में क्या सोचते थे, क्या फील करते थे। बट पहले जो क्यू कार्ड है उसको स्टार्ट करने से पहले हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, मींस किसी चीज़ से भटक जाना, उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। डिज़ाइनेशन मींस किसी चीज़ का डिज़ाइन क्रिएट करना, डिज़ाइन सिंपली वही चीज़ हो गई। स्पोस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत अच्छा दिखना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्यू कार्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। वेयरिंग अ यूनिफॉर्म मेक अ परफेक्ट लुक सोफिस्टिकेटेड एंड फॉर्मल। एक यूनिफॉर्म पहनना हमारे लुक को अच्छा बनाता है और फॉर्मल लगते हैं हम। यूनिफॉर्म ऑल्सो क्रिएट इक्वालिटी अमंग एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स। When everyone look the same, there is less distraction and no discrimination among students and workers. Uniform क्या चीज़ करता है हमारे अंदर, मतलब इक्वालिटी लाता है, एकता लाता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है वो अलग नहीं लगता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। कंपनीज ऑल्सो वॉन्ट देयर एम्प्लॉयज़ टू बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक यूनिफॉर्म। कई कंपनीज़ को ऐसा लगता है कि अगर वो उनकी कंपनी की एक यूनिफॉर्म हो, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके एम्प्लॉयज़, तो इनकी उनकी पहचान बनती है अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइनेशन एंड डिपार्टमेंट। मतलब उनकी डिज़ाइन जो की यूनिफॉर्म है अगर वो पहनते हैं उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, एक तो उनकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है और वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी जाने जाते हैं कि दूर से पता लग जाता है कि हाँ ये वाली कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक मैं यूनिफॉर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई वोर इन माई चाइल्डहुड, जो मैं बचपन में पहनता था, एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई सबकॉन्शियस माइंड, और इसका मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा हुआ है या फिर मेरे दिमाग में अच्छे से फिट है वो यादें। आई रिमेंबर माई प्राइमरी स्कूल डेज वेन आई वॉज सो एक्साइटेड टू वियर माई यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल। मुझे याद है मेरे मतलब स्कूल के दिन, प्राइमरी स्कूल के दिन, जब मुझे यूनिफॉर्म पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसे पहन के स्कूल जाना भी। My parents bought this uniform for me. मेरे घर वालों ने ये चीज़ मेरे लिए, मतलब यूनिफॉर्म मेरे लिए ख़रीदी थी। Right from the first day of school, मेरे स्कूल के पहले दिन, they made sure I become a disciplined student. उन्होंने पक्का किया कि मैं एक अच्छा सयाना बच्चा लगूँ, सॉरी पंजाबी हो गया। So they motivated me to wear the uniform. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, एंड टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग इट, और मुझे बताया क्या इसकी विशेषता है इस यूनिफॉर्म को पहनने की। इट वॉज अ डार्क ब्लू ट्राउज़र, एक ट्राउज़र था जिसका कलर था डार्क ब्लू, एंड स्काई ब्लू शर्ट थी इसकी विद अ नेवी ब्लू टाई एंड ब्लैक शूज़। ऑन रेगुलर डेज एंड ऑन थर्सडे वी वोर अ डिफरेंट यूनिफॉर्म। मतलब ये जो रेगुलर डेज हो गए तो थर्सडे हो गया, बट थर्सडे वाले दिन हम क्या करते थे, डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनते थे, रेगुलर डेज पे यही वाले पहनते थे जो मैंने ऊपर बताई है, विच वॉज अ वाइट शर्ट वाइट पैंट वाइट कैनवास शूज। मतलब वो ये वाले दिन ये वाली यूनिफॉर्म पहनते थे, बाकी अदर्स डेज जो ब्लू वाली टी शर्ट वाली मैंने बताई वो वाली पहनते थे। ऑन थर्सडे वी हैड अ परफॉर्म सॉरी वी ऑन थर्सडे वी हैड टू परफॉर्म आउटडोर एक्टिविटीज़। सो आवर स्कूल हैड अ डिफरेंट यूनिफॉर्म। उस दिन हमें बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी होती थी, तो उस दिन हमारे स्कूल ने ये वाली यूनिफॉर्म कहा था कि आपको ये वाली यूनिफॉर्म पहननी है थर्सडे वाले दिन। आई फेल्ट एक्सट्रीमली गुड अबाउट आर यूनिफॉर्म। मुझे अपनी यूनिफॉर्म के बारे में पहनना या फिर यूनिफॉर्म या फिर उसे पहनना बहुत अच्छा लगता था, एज इट मेड एवरी वन लुक सिमिलर, क्योंकि ये सारों को ऐसा दिखाता थी कि सारे सेम हैं।
एंड बाई वेयरिंग द सेम क्लोज, एक जैसे कपड़े पहनने की वजह से वी अवॉइडेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, मतलब डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होता था किसी भी बच्चे में। इट मेड आर बॉन्ड विद द स्कूल सो स्ट्रॉन्ग, इसने हमारा स्कूल के साथ रिश्ता और भी पक्का कर दिया। दैट वी वर आइडेंटिफाइड बाई आर स्कूल यूनिफॉर्म ईजिली, क्योंकि हम हमारे स्कूल यूनिफॉर्म से ईजिली पहचाने जाते थे कि ये स्कूल के बच्चे हैं। तो ये था हमारे आज का क्यू कार्ड के आइडियाज़। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, बाय बाय।